पूरे मध्य प्रदेश की तरह छतरपुर में भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा विरोध दर्ज कराया गया। जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अनीस खान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें कहा गया कि पेट्रोल डीजल की कीमतें पिछले 16-17 दिनों से लगातार बढ़ रही हैं और जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है, जिसका असर बाकी चीजों में भी देखा जा रहा है। गौरतलब है कि देश में पिछले 16 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, इसको लेकर लोग काफी परेशान हैं। कांग्रेसजनों ने राज्यपाल के नाम ये ज्ञापन एसडीएम बीबी गंगेलो को दिया। विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलने पर एसडीएम बीबी गंगेले कांग्रेस कार्यालय के सामने ही आ गए। यहां पर उन्होंने कांग्रेसी जनों से ज्ञापन लिया। और प्रदेश सरकार देश के किसानों को, आम जनों को और खासकर बेरोजगार हुए लोगों को लूटने का षड्यंत्र जो रच रही है, निश्चित तौर पर उसी क्रम में आज देश में डीजल में 70% टैक्सेशन लिया जा रहा है, जो चीज़ 20 रुपए की और 25 रुपए की देश की जनता को मिलना चाहिए थी, आज वो 80 और 82 के तौर पर मिल रही है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में इससे देश में गरीबी और बढ़ेगी, किसान आहत हुआ है कि केंद्र सरकार निश्चित तौर पे जनता के साथ छलावा और लूट कर रही है। इस सरकार ने जो है इस प्रकार से लूट मार मचा दी है कि जिसकी हद नहीं रह गई है। आखिर क्या करेगा आदमी, ये एक ऐसी चीज़ है पेट्रोल, बिना उसके कोई आदमी व्यक्ति उसके बिना रह नहीं सकता है, हर व्यक्ति के पास वाहन है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो फिर क्या करेंगे आप? तो हम इसके बाद से प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो भी निर्देश आएंगे उसके आधार पर प्रदर्शन करेंगे। सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के विरोध स्वरूप कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ज्ञापन दिया गया है और ये ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम है। और ये मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें